अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट कॉर्नर लम्हे उस्ताद के साथ। आज की एपिसोड हमारी बड़ी स्पेशल एपिसोड होने जा रही है। इट्स एन इंडिपेंडेंट स्पेशल। ना सिर्फ इंडिपेंडेंट स्पेशल है बल्कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये मेरी बहुत फेवरेट पर्सनैलिटी है। मैं जब भी इनसे मिला मैं बहुत मोटिवेट हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ डिस्कशन करके, इनकी बातें सुन के। और कई दफ़ कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में या आपके सामने ऐसे होते हैं जिन जो आपको लगता है कि बस ये बोलते हैं और हम सुनते रहें, और माशाल्लाह ये उन लोगों में से एक हैं। सो बगैर वक्त किए मैं इनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। और हाँ, आज हम मिलने जा रहे हैं शहजाद नवाज से। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपने माशाल्लाह ज़िंदगी में बहुत डिफरेंट काम किए, बहुत कुछ किया, व्हाट डू यू थिंक इज सक्सेस? जो पहला आपका सवाल है मुझसे, देखिए सक्सेस को तो डिफाइन करने का कोई ऐसा सच पैरामीटर है नहीं, अलावा अगर आप उसको दुनियावी जावे से देखते हैं, और अगर वो है तो वो फिर ये है कि आप मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की में चले जाते हैं। खैर, पहले आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं और उससे आप ट्रांसेंड करके फिर आप अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पे जाते हैं, और उसमें से यानी शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उससे आप माइग्रेट करते हैं, फिर आपको लव इमोशनल कंफर्ट चाहिए होती है और इवेंचुअली आप जाके एक्चुअलाइज कर लेते हैं अपने आप को, जिसको एक्चुअलाइज कहते हैं। ये आम तौर पर एक अमूमी पैराहा है, ये एक वो मीज़ान है जिसके ऊपर परखा जाता है कि जी कौन सक्सेसफुल है। मैं मेरा मानना है कि कई लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा होता है। तो ये इसके अंदर जो डिकॉटमी है जिसके ऊपर मैंने बात की है वो ये है कि हम जिस अकदार और जो अफकार होते हैं, बजाय उनको देखने के हम लोगों को उनकी माली वसाइल की बुनियाद पर यानी प्लेस करते हैं सोसाइटी, इवैल्यूएट करते हैं। लिहाजा अगर ये मायार है तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब बहुत सक्सेसफुल हैं। ट्रू, उनके पास जितनी दौलत है, जो शोहरत है, वो शोहरत जैसी भी है। ट्रू, पहली चीज तो ये है कि क्या है या नहीं है, तो फिर वो है। True. मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो मैं नहीं जानता कि जब आपने मुझसे ये पहला सवाल किया आपके जहन में वो डेफिनेशन क्या है सक्सेस की, बिकॉज सक्सेस जो है कामयाबी वो किसी न किसी जुस्तजू जद्दोजहद के नतीजे में आएगी, यानी बैठे बैठे तो कामयाबी नहीं होगी, बेशक कुछ आप करेंगे तो कामयाबी। बेशक, तो सवाल ये पैदा होगा आप क्या करना चाहते थे, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके नज़दीक आप वो कर पाए, यानी मुकम्मल हो जाना। मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों को नसीब होती है उस जाविये से कामयाबी या वो सक्सेस जिसको वो एंडेवर करते हैं। बाकी तमाम लोग उसकी जुस्तजू में, उस परसूट में रहते हैं। Right. And basically it's a process. It's a constant process. तो मैं तो बड़ा डरता हूँ जी इस लफ्ज़ से, success से, because success जो है, it comes with a cost. ये जो मैं उस success की बात कर रहा हूँ कि लोग आपको successful कहें, और वो सबसे बड़ी cost जो उसकी है, जो price tag है, वो है तकबर, वो है गरूर, वो है झूठी अना। लिहाजा मैं तो जी जब बात करता हूँ, जब भी मेरे डिमीनर से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से अक्सर काफ़ी लोग मुझे समझते भी हैं कि एरोगेंट मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा शायद बोलने का अंदाज कड़खत है। लेकिन जो सक्सेस है ना जी, मेरे नज़दीक वो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़ाती मफाद से बालातर हो के कोई काम कर कुछ किया उन्होंने। असल कामयाबी जो है, और ये बिल्कुल किताबी बात मैं आपसे नहीं कर रहा, ये मैं अपने यानी वो चीज़ें हैं जो मैंने हकीकतन अपने गिर्द नवा में न सिर्फ देखी हैं, ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ, और उसके अलावा ये कि ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपनी, यानी मैं मिसाल देता हूँ, हम अक्सर एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं और वो है खुदी, और काफ़ी अच्छा, खुदी in English is ego, right? Self. A false ego अलग चीज है, बुरी चीज है। ईगो तो जरूर होनी चाहिए आपने। अब इसके अंदर मैंने आपको ये मिसाल इसलिए दी कि ये मैस्लोज हायरार्की में देखे हैं तो सेल्फ सबसे ऊपर है, यानी एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एक्चुअलाइजेशन। True. तो सबसे ऊपर पिरामिड पर वो। True. अच्छा, और मैं लोगों को अक्सर ये कहा करता हूँ कि जब आप इकबाल की बात करते हैं मेरे नज़दीक, तो उन्होंने आपको खुद ही पढ़ा के रोक दिया, क्योंकि जो शख्स खुद ही पे पहुंच जाएगा
और जहां पे मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की रुक जाएगा उसके बाद उसका नया मकाम आएगा, बेखुदी, सेल्फलेसनेस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हकीकी मायनों में जो कामयाबी है बहुत कम लोगों को नसीब होती है, क्योंकि हमने आज के दौर में जब हम किसी को किसी पराये में परखते हैं, लिहाजा हम दौलत का जो मयार है वो पैसा रखते हैं। जो हम ये नहीं देखते कि असल दौलत तो इल्म की हो सकती है, अकदार की हो सकती है, आपके आपके अमाल की हो सकती है, यू नो देयर सो मेनी अदर वेरिएंट्स, लेकिन हम उसको बिल्कुल माइनस कर देते हैं। और माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपली उसको बैंक बैलेंस से रिलेट करते हैं, वर्ल्डली पोजेशन से करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में। सर मुझे याद पड़ता है, मैं आपको एक लेक्चर में मैं गया हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, आपको पता है आई गो अराउंड, लोग बुला लेते हैं। तो मैंने अपनी टॉक उस दिन शुरू की और मैंने कहा कि मुझ में और बिल गेट्स में कोई फर्क नहीं है। अब वो खामोश, यूजली क्राउड बहुत खामोश होकर मुझे सुनता है, तो मुझे खुसर पुसर की आवाजें आने लगी और मैं समझ गया कि मैंने जानबूझ के ये किया था और मैं चाहता था ये रिएक्शन आए। तो पीपल गॉट कन्फ्यूज्ड और मैंने कहा कि उसके पास ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो मैंने ये समझाया कि उसके पास जितना भी पैसा है और मेरे पास जितना भी कम है, उसके पास जितना भी ज्यादा है, एक तो ये तय पाया कि अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे की तंगी से और फरावानी से आजमाऊंगा। तो मैंने उसको ये बच्चों को समझाया जो स्टूडेंट्स थे यंग, मैंने कहा ना वो अपनी गाड़ी की डिक्की में लेके वो कैश घूमता है ना मैं बहुत ज्यादा और मेरा इतना कम ना मैं, लिहाजा फिर पैसा पार्क कहाँ हुआ वह यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड। फिर आगे चल के मैंने उनको समझाया कि मुझ में और उसमें फर्क इसलिए नहीं है कि एक वक्त में बिल गेट्स भी जो है दो टाइज नहीं पहनता, एक ही पहनता, राइट, डेफिनेटली खाना मुझसे चारने वाले ज्यादा या आठ कम खाता होगा, 5,000 गज का बिस्तरा उसका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं है, डेफिनेटली उसको भी नींद आती होगी, वो भी उठता होगा, और वो दुनिया का महंगा तरीन खाना खाता होगा और मैं शायद दाल चना सादी रोटी, सुबह उसमें से भी गलाजत निकलेगी और मुझमें से भी। ये जो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग है कि जब खुदा कहता है आई हैव क्रिएटेड ऑल मेन इक्वल, तो अल्लाह, और फिर अगर आप देखते हैं तो फिर आप कहते हैं सोसाइटी में ये मेरे से बड़ा है, ये छोटा है, इसका रुतबा बड़ा है, इसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है या कम है, तो आप एक हिजान का, एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, उलझन का। ये जो उलझाव है ये इसलिए पैदा होता है कि जब खुदा ने कहा आई हैव क्रिएटेड मेन इक्वल, ही मेंट कि हम मैंने तुम सबको मेरे नजदीक, मैंने तुम सबको करेंसी ऑफ टाइम इक्वल बांट के भेजा है। आपके पास भी फर्ज करें 9 to 5 की करेंसी है, मेरे पास भी 9 to 5 की करेंसी। उस 9 to 5 को आप इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं, स्पेंड करें। ये आपके ऊपर है, बिल्कुल सही। स्पेंड करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपका बैलेंस कम हो जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड आएगा। So, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं टाइम को, सक्सेस उनके लिए रखा जाता है। वेरी वेल। किसी का फ्लूक लग जाए, तुक्का लग जाए, कोई दो नंबरी से कर ले, जिसकी लातादाद मिसालें हैं। अगर आप अभी इसको लाइव होते और मुझे सिर्फ बिठा दें तो मेरे ख्याल 70 घंटे तो मैं आपके साथ ऐसी मिसालें पाकिस्तान में दे सकता हूँ कि जिन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन उनके ग्लास तोड़ा बाहर आने वाला मुहावरा उल्टे सेंस में हो कि ग्लास भी तोड़ा और बाहर आने भी उनकी जेब में गए, जेब से गए नहीं। सो आई थिंक दिस इज हाउ आई लुक एट सक्सेस, इट्स समथिंग दैट वी शुड स्ट्राइव फॉर, बट आल्सो समथिंग जिससे हमें डरना भी चाहिए, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स जो है अक्सर इंसानों को किसी न किसी स्टेज पे जा लेते हैं। जी हाँ शहजादी, आप माशाल्लाह क्रिएटिव बंदे हैं, आपने डिजाइनिंग में भी काम किया, आपने लोगोस भी डिजाइन किए, सो व्हाट वाज द रीजन, किस वजह से, किस तरीके से क्रिएटिविटी में आया? देखें पहली चीज ये कि मैं क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि देखें अक्सर होता है कि जब क्रिएटिव बंदा होता है वो पेंटिंग्स में भी जाता है, वो लिखने में भी जाता है, माशाल्लाह आप डायरेक्शन में भी हैं, आपने लोगोस भी बनाए, सो व्हाट वाज द रीजन कि जिस वजह से आपने इसी क्रिएटिविटी को चूज किया? नहीं, रीजन कुछ भी नहीं है, इंसान के दिमाग के अंदर साइंस इसको इस तरह एक्सप्लेन करती है कि आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट कंट्रोल्स राइट एंड राइट कंट्रोल्स लेफ्ट, एक एनालिटिकल होता है और एक कंसेप्चुअल होता है, दो दिमाग होते हैं, मेरा कंसेप्चुअल ज्यादा है, इट्स वेरी सिंपल।
और मेरी वो फैकल्टी ज़्यादा डेवलप हो गई दिमाग की, लिहाजा मैं इस काम में आ गया। इन लोगों छोको तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली आई लुक एट कम्युनिकेशन जिसमें आइडेंटिटी प्रोग्राम होता है जिसका एक हिस्सा लोगो होता है, फिर उसकी आइडेंटिटी की एप्लीकेशन होती है, फिर कम्युनिकेशन होती है, फिर कैंपेन होता है, फिर स्ट्रैटेजी होती है, और फिर जिस तरह आपने मेरी बाकी परतें या जहतें बताई the other dimensions to me, और उसकी रीज़न मैं बताता हूँ वो क्यों है। पहली चीज़ तो ये, अगर अल्लाह ने आपको एक से ज़्यादा सलाहियत दी हो तो अपने ऊपर कदगन लगानी ये ज्यादती है कि आप खुद अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन लगा दें जब खुदा ने आपको दिमाग दे के आज़ाद पैदा किया और आपको सलाहियतें दी। अब वो बरूए कार अगर आप नहीं लाएंगे तो वो आपका फियर है, आपका कोई डर है। और अगर मैं उन सब चीज़ों को एहसन तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ, इफ़ आई एम एबल टू कम्युनिकेट, इम्प्लीमेंट, ट्रांसलेट, एग्जीक्यूट, प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट, और लोगों को पसंद आए और मेरा नाम उसमें बन जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। क्यों मैं ये बता रहा था कि दरअसल हर चीज का एक न्यूक्लियस होता है, जेनेसिस होता है, बिल्कुल एक फाउंडेशन होती है, और वो क्या है? आइडिया। आइडिया की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। दुनिया की हर इन्वेंशन, दुनिया की हर इनोवेशन, दुनिया की हर क्रिएशन, ये आइडिया की मरून मिन्नत है। दे ऑल स्टार्ट विद एन आइडिया। आइडिया क्या है? आप जानते हैं कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है? अगर मैं आपसे पूछूं, बेसिकली आपकी एक सोच का, आप एक जानवर जो है वो नेसेसिटीज उसकी भी वही हैं लेकिन उसके पास सोच नहीं होती, वो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से कर नहीं सकता। इंसान के पास अल्लाह ताला ने सोच का बहुत बड़ा एलिमेंट दिया है जो कि अपने हिसाब से उसको देखिए, जानवर भी सोच रखता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, सोच बूझ रखता है। आपको पता है इंसान और जानवर में मेरे नज़दीक जो फ़र्क है, जानवर ख्वाब नहीं देखता, इंसान ख्वाब देखता है। ख्वाब की एक जहत वो आइडिया है, एक ये फर्क है। दूसरा, अगर हम साइंसी हवाले से देखें तो जो ह्यूमनॉइड है, जो होमो सेपियन है, जो इंसान है बामुकाबिल एक जानवर के, तरक्की इसलिए कर पाया कि मुख्तलिफ अदवार में इन कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हमें एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी जो सिखाती है कि तरक्की के मरहल से गुजरता रहा। वो जो तरक्की थी किसी न किसी आइडिया यानी ख्वाब की मरहूने मिलन थी। अब साइंटिफिकली जो जब इंसान डेवलप हुआ है, इंसान के जो परसेप्शन है, परसेप्टरी ब्रेन की साइड है पहली, और जो उसकी एनालिटिकल साइड है या जो एक्शन साइड है बिटवीन रिसीविंग द मैसेज टू डिकोडिंग द मैसेज, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग गैप है। लिहाजा अच्छा, जानवरों में ये बिल्कुल साथ साथ है। इसकी मिसाल मैं आपके लोगों को इस तरह देना चाहूंगा कि आपने जानवर के आगे खाना रखा, जानवर ने खाना देखा, उसका नेक्स्ट एक्शन फौरन क्या होता है? ईट। ईट, देयर इज नो थिंकिंग। ट्रू। आप और मैं जब हमें भूख लगेगी, ये तो तय हो गया जानवर की तरह भूख लगी है, अब हमारे यहाँ क्या शुरू हो जाएगा? एक फिजिकल नीड तो है ना, क्या खाना है, किधर खाना है। आपने कभी जानवर को कंप्लेन करते हुए सुना है इसमें नमक कम है, चीनी ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, मीठा कम है, ज्यादा है? नेवर, राइट? ये डिफरेंस है। ये जो ख्वाब है, जो खासा है इंसान का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गुड एंड ऑल्सो ऑल इवन इन दिस कंट्री और द वर्ल्ड, राइट? क्योंकि अगर आपका ख्वाब यह है कि मैंने ये हासिल कर लेना है चाहे किसी कीमत पर भी, जब आप कहते हैं किसी कीमत तो दरअसल अब आप कॉम्प्रोमाइज करने के स्टेज पे आ जाते हैं, यानी आप अपने वैल्यूज, अपने ईथोस, अपनी एथिक्स, अपनी मोरालिटी वगैरह 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 को सैक्रिफाइस करते हैं। क्यों? कि देखें, हम सबके अंदर एक और बड़ी मुनफरद चीज है जो जानवर में नहीं है, वह है जमीर, कॉन्शियंस।
अच्छा, कॉन्शियंस की ब्यूटी यह है कि जब रब ने इंसान को तख्लीक किया तो उसने मुकम्मल बनाया। रूहें तो हमारी हजारों साल पहले पैदा कर दी गई थी, तख्लीक कर दी गई थी, और हमसे वादा भी ले लिया गया था। ये तो जब हमें जसद खाकी के अंदर फूंका गया तो हम बहुत चीजें भूल गए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि देखे जी, ये फोन बड़ा सिंपल है, सब आजकल यूज करते हैं। अब ये फोन जब मैन्युफैक्चरर हो गया तो अब इसको इस्तेमाल करने के लिए ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि जी चार्ज हो गया। अब उसके बाद आपने अगर मुझे फोन करना है तो मेरे फोन के अंदर सिम होना लाजमी है, एक्टिव सिम, और आपके पास मेरा नंबर होना लाजमी है। अब आप जब फोन करेंगे नतीजतन मेरा फोन बजेगा, राइट। अब जब मेरा फोन बजेगा मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, या उसको रिंगर में बढ़ा दूं, या उसको मैं बजर पे कर दूं, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है फोन, या म्यूट कर दूं। लेकिन ये बात तय है कि वो फोन बजेगा, बजेगा। जमीर भी इसी तरीके से होता है। अल्लाह ताला ने आपको दे तो दिया डिफॉल्ट, ये आपके ऊपर उसने छोड़ दिया कि आप उसको रिंगर लाउड करते हैं कि कैसे डिकोड करते हैं। फोन सबके बज रहे हैं, याद रखिएगा। वेरी नाइस। एवरीवन इज रिसीविंग दैट कॉल, एंड दैट कॉल इज द कॉल ऑफ कॉन्शियंस। लिहाजा जब मैं कह रहा था कि ऑल गुड एंड ऑल इवल और ऑल बैड वाज इन द कॉन्टेक्स्ट, कि वो आइडिया गन पाउडर सेलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता था, वो तो मार्को पोलो ने उसका दूसरा उसको आइडिया आया ना, ठीक है, और उससे फिर इवेंचुअली इट लेड टू ऑल द डिवास्टेशन एंड ओइंग ऑल द वे अप टू हिरोशिमा एंड नागासाकी, द एटॉमिक बॉम्ब्स, द मैसिव डिस्ट्रक्शन। सो इकबाल कैसे कहता है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। शहजादे, आपका बड़ा एक इंटरेस्टिंग जर्नी है, फ्रॉम एन मीडिया एनालिस्ट टू अ सीईओ। हाउ डू यू सी द जर्नी, नंबर वन? नंबर टू, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ मीडिया इन द करंट एनवायरनमेंट? देखें, मेरी जर्नी बेशक रही है मुख्तलिफ कैपेसिटीज में, लेकिन अपनी दानिश में अपने आप को मैं एक चेंज आर्टिस्ट कहता हूँ। आई एम एन इमेजिनियर, और मैं इमेजिनेशन को और इंजीनियरिंग यानी साइंस को, आर्ट और साइंस को ब्लेंड करता हूँ, क्योंकि मेरा काम जो गैब के मजामीन है, जो गालिब जैसे कहता था, और दुनियावी जो हकायक है, ज़मीनी हकायक, उन दोनों के दरमियान मैं वो ब्रिज बनता हूँ। आई एम द मीडियम, मेरे थ्रू वो एक ट्रांसलेट होता है आइडिया। जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि आप, मैं इतनी चीज़ें इसलिए करता हूँ कि आइडिया तो आइडिया है, अब उस आइडिया की एप्लीकेशंस है। मिसाल है, आइडिया से गाड़ी भी बनती है, आइडिया से गाड़ी जब बनेगी तो उसकी इंजीनियरिंग असाइड, उसका डिज़ाइन होगा ना, एग्रोनॉमिक्स होंगी, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग भी डिज़ाइन है, फर्नीचर डिज़ाइन ले लें। तो मैं ये रियलाइज़ करता हूँ जब मैं बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ कि ये आइडिया को मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर ट्रांसलेट कर सकता हूँ, सिर्फ कागज पे, लकड़ी पे यानी सेट्स बन रहे हैं, किसी और फैब्रिकेटेड मटेरियल पे, म्यूजिक पे, फिल्म पे, या मीडियम क्या होगा उसका, आइडिया आइडिया रहता है। बिल बर्नबाख ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, उसने कहा था एन आइडिया कैन टर्न टू डस्ट और गोल्ड डिपेंडिंग ऑन द टैलेंट दैट रब्स अगेंस्ट इट। तो एक चीज होगी आइडिया यानी उसकी मिरास, उसकी अपना पोटेंशियल, और एक वो जिसके हाथ वो लगा। क्योंकि आपके इस जवाब से पहले मैं ये क्लियर करता चलूं कि क्योंकि आपने मुझसे ये सवाल पूछा, ये जो जर्नी और फिर सी और ये मुख्तलिफ जो, और मैंने कहा कि मैं अपने आप को चेंज आर्टिस्ट और एक इमेजिनियर समझता हूँ, वो इसलिए समझता हूँ अपने आप को मीडियम, कि मैं अपने थ्रू ट्रांसलेट करता हूँ, कि ये जानना जरूरी है कि दुनिया का कोई आइडिया जो मेरे पास आया है वो मेरा नहीं है। अच्छा, वो मेरा नहीं है, वो हो नहीं सकता मेरा। मेरे पास सिर्फ वो सलाहियत है, वो जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की मैंने आपसे बात की थी, कि मैं आम इंसान के मुकाबले में, मेरी ये फैकल्टी इतनी डेवलप्ड है ये डिसिप्लिन की, कि मैं ऑलरेडी मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जो आइडिया एग्जिस्ट करते हैं उसको पकड़ के ट्रांसलेट करके एक नई डिमेंशन देता हूँ, पर्सपेक्टिव एक नया बनाते हैं आपस में। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं है,
इट इज ऑलवेज अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड एलिमेंट्स, लिहाजा एग्जिस्ट करती है। ओके, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्रिएटर होने का, क्रिएटिव होने का जो एट्रीब्यूट है वो अल्लाह की जात का है, खुदा का है। बेशक वो इंसान की औकात नहीं है, नो डाउट नहीं है, नो डाउट, बिकॉज़ वो अपने आप को कहता है। ये बात जरूर है कि अल्लाह ताला के जो 99 अस्माए मुबारक हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी शबी किसी न किसी फॉर्म में इंसान के थ्रू ट्रांसलेट होती है, क्योंकि वो आपकी जगलर वेन से करीब है, आपकी शहरग से करीब। बिल्कुल, तो कोई रहमान टाइप आपको बंदा मिलेगा, उसमें वो क्वालिटी मिलेगी, कोई आपको मेरे जैसे फिर मिल जाएंगे जो कि मुसव्वर होगा, और इस तरह के ऐसी बहुत सारे आपको शेड्स मिलते हैं। जब मैं ये कहता हूं तो लिहाजा ये तो क्लियर हो गया कि आइडिया मेरा नहीं है, वो इसलिए मेरा नहीं है कि दुनिया में कोई कलर मेरा नहीं बनाया हुआ किसी इंसान को, दुनिया में कोई शेप किसी इंसान की नहीं बनाई हुई। लिहाजा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप ये जरूर कह सकते हैं जो ज्योमेट्रिक उसकी कॉम्पोजिशन है वो, लेकिन वो तो उसके ऊपर एड ऑन है, उसकी बेसिक नहीं, बेसिक नहीं है। तो ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक दोनों शेप्स इसमें मतलब नेचर में मौजूद है, पैटर्न्स, डिजाइन्स, कॉम्बिनेशंस। देयरफॉर एवरी आइडिया एग्जिस्ट्स, और आप अक्सर क्योंकि आप भी इस मेरे से एसोसिएटेड फील्ड से वाबस्ता हैं और मेरा आपसे इस बहाने ताल्लुक बढ़ा रहा है, मुलाकातें रही हैं, आप ये नोट कीजिएगा कि कई बार आपको कोई आइडिया आता है या कभी कोई आप आइडिया देखते हैं बिलखसूस, और देखने के बाद अचानक आपके जहन में ये होता है, ये तो मैं भी सोच रहा था, अरे ये तो मैं करने वाला था, या फिर आता है ये मैंने क्यों नहीं सोचा। ये जो तीन फेजेस मैंने बताए वो इसलिए होता है कि जब भी आइडिया, जब आप उसको लेने के लिए जाते हैं कायनात से, मेटाफिजिकल वर्ल्ड से, यू आर एंड्योरिंग योरसेल्फ टू एलिवेट योरसेल्फ टू अ लेवल के आपके पास आइडिया आए, आप आइडिया मांगते हैं दुआ की तरह, यानी आप लाशौरी तौर पे, या आप ट्रेंड होते हैं, आपको नहीं पता, आप कहते हैं अच्छा ये करना है क्या, अब आप ये जो जस्तजू है आपकी जिसको आप एंड्योर कर रहे हैं एक तरह से, एक अपने ऊपर वो एक आप मुशक्कत कर रहे हैं वो ज़हनी, तो आप एक आइडिया को टैप करते हैं, क्योंकि आइडिया इज एन एनर्जी फॉर्म, इट इज राइट इन माय ओपिनियन एटलीस्ट। अब जब आप उसको टैप करते हैं तो आइडिया तो एग्जिस्ट कर रहा था, उसका जो एक्सेस था उस क्लाउड का, आइडिया क्लाउड का, वो आप वाहिद नहीं है, बहुत है, आपसे पहले भी किसी ने किया होगा, आपने जब किया उस वक्त भी कोई और उसका सोच रहा होगा, या आपके बाद कोई करेगा। लिहाजा इट इज जो आप कहते हैं ना वो जो कॉमन शेयर का कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का, डिजिटल वर्ल्ड का, कि आप क्रिएटिव कॉमन के अंदर एक काम दे देते हैं कि लोग शेयर करें, एम्बेड करें, डाउनलोड करें वगैरह वगैरह, यानी कॉपीराइट फ्री आइडियाज है, राइट। तो जो ये मैंने एक तो बताना जरूरी समझता था, तो मैं जब ये मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ और ये मैंने अपने डिसिप्लिन देखे, तो ना मैं सीईओ को मैं समझता हूँ कोई बड़ी चीज है, क्योंकि कुर्सी इंसान को कुछ नहीं दे सकती, उस कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान अपनी फ्रेटर्निटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने कोलीग्स को कुछ दे सकता है। तो जब ये तय पा गया कि ये है जो मेरा बिलीव है, तो फिर कुर्सी कौन सी और किस नाम से पुकारी जाती है मुझे मैटर नहीं करता, मेरे लिए जो मैटर करता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, बिकॉज आई एम आंसरेबल फॉर माय डूइंग्स, राइट। देयरफॉर आपका सवाल हक बजाने था, लेकिन मेरे लिए ये कोई ना कभी मैटर था, ना है, ना कभी इंशाल्लाह होगा, मैं मैटर नहीं करता, मैं यू फोकस ऑन योर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इन चीजों से मैं अपने आप को जब इस तरह गेज करूंगा तो मैं तो बहुत छोटा इंसान हो जाऊंगा, तो बहुत छोटा इंसान। यहाँ पे एक चीज बताइएगा, यानी आपके ख्याल से मैं आखिरी बात कर दूं कि मैं मरूने मन्नत इस बात कहूंगा कि मैं सीईओ हूं या नहीं हूं, तो मैं कुछ कर सकूं, मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस, और अगर मैं नहीं हूं तो क्या होगा, यानी अगर आप नहीं हैं या आपके जो कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त वो नहीं है, हाउ डस इट मेक हिम एनी लेसर देन यू एंड आई, व्हेन वी नो कि एक एवरेज इंसान जो है वो 3% दिमाग इस्तेमाल करता है, लिहाजा उसका दिमाग जो आपका ये जो लड़का है जो साथ आया हुआ इतना अच्छा सेटअप किया हुआ है, और मुझ में फर्क ही कोई नहीं है। फर्क कहाँ आया, एक वो जो मैंने पहले कहा था करेंसी ऑफ टाइम आपने कहाँ इन्वेस्ट की, दूसरा
आप 3% को ऑप्टिमम लेवल पे आपने किली दबा के गाड़ी फुल स्पीड 3% पे चला रहे हैं या 3% के अंदर वापस स्लो हो जाते हैं। तो मेरा चौकीदार है, उसके पास भी वही दिमाग है जितना मेरा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम मींस इंडल्जेंस ऑफ योर ब्रेन इनटू लर्निंग अक्वायरिंग नॉलेज एंड देन आफ्टर यू अक्वायर नॉलेज यू डिसिमिनेट नॉलेज By exhibiting it, यानी आप उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो आप दिखाते हैं ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। शहजादी बजाय के मैं अभी मीडिया के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन मैंने करना था कि इम्पोर्टेंस क्या है इस वक्त, क्या उसका रोल होना चाहिए और क्या इस वक्त है रोल, इससे पहले मुझे एक चीज़ बताइएगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि क्रिएटिविटी हैज नो डायमेंशन, डिफरेंट तरीके से no, it has a dimension, it's metaphysical. Okay. It is a dimension, but it is a dimension which exists in parallel. In parallel. Right? But humans have the, in my opinion, humans have the capacity to tap into that energy temporarily, only to steal the idea okay. from nature. Okay. जी. So whenever you do something different, आपको बहुत सारी criticism और controversies भी face करनी होती होंगी. So how do you take them in a positive way? देखिए बात ये है कि मुझे खैर इसका पता नहीं है कि आपकी मुराद क्या है criticism. मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ या कंट्रोवर्सी कि लोग नॉर्मली होते हैं कि आपको ना कह रहे होते हैं यार तुम किस काम पड़ गए हो, क्या कर रहे हो, क्या फ़ायदा है। जब एक बंदे का मिशन होता है कुछ अच्छा करने का, सो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैटर नहीं कर रही होती। सो मेरा क्वेश्चन बेसिकली इसलिए है क्योंकि हमारी ऑडियंस में भी कई लोग ऐसे होंगे जो कि डिफरेंट करना चाहते हैं लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर्स इतने होते हैं कि उनको डीमोटिवेट करते हैं। जिससे कि आपके अंदर एक एनर्जी मौजूद थी जिसने आपको कुछ करने पर मजबूर किया और अब कुछ किया आपने उसके ऊपर, हाउ कैन अदर्स डू दैट ऑल्सो? पहली चीज तो मैं करेक्ट कर दूं, एनर्जी थी नहीं है। ओह सॉरी, जब तक सांस चलता है एनर्जी रहती है आपके ऊपर, है तो थी नहीं है। ओके पहली चीज मैं करेक्ट कर दूं। जी जी माजरत के साथ। सो हाउ डू यू फील, क्या किस तरीके से आप जो सारी चीजों को काउंटर? मैं आपको अभी एक शेर सुनाऊंगा और आई थिंक वो शेर में सारा जवाब है अगर आप या आपके लोग समझ पाएंगे तो। वो भोले शाह का शेर है लेकिन उसके पहला वर्ड जो मैं सुनाऊंगा काफी का वो रिपीट है, एक ही वर्ड दो बार है और उस दो बार के पॉज के बीच में सारी बंतक है। और मैं सो अगर आप इजाजत जी जी प्लीज। तेनु काफर काफर आख दे बोलिया आहो आहो आख। अगर मैं ये कहता तेनु काफर काफर आख दे, यानी आपको काफिर काफिर कह रहे हैं लेकिन ये कह रहा है कि तुम्हें काफिर काफिर कह रहे, काफिर कह रहे हैं, हाँ कह दो। क्रिटिसिज्म मुझे एक बात बताएं क्यों मैटर करता है। देखें फीडबैक और क्रिटिसिज्म में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है? यानी एक मुस्बत तनकीद में और तनकीद में बहुत बड़ा फर्क है। पहली चीज इस्लाह हर चीज की जरूरी है, इंसान की भी हर काविश ज्यादातर वो है जिसके अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्योंकि आपका हर काम मरहूने मिन्नत होता है आपके तजर्बा, आपकी उम्र, आपका मुताला, मुशाहिदा और जाविया। There are so many ingredients that come together for you to mimic, not give birth, mimic an idea in your own form and fashion. मैंने पहले क्लियर कर दिया, आइडिया आपका मेरी नजर में नहीं है। लोग कहते रहे मुझे कि जी he's one of the top creatives of Pakistan. कहते कहने दे, ये इज्जत और जिल्लत का वादा खुदा ने किया तो मिल रही है, लेकिन मैं उसको अपने ऊपर हावी कर लूं कि मैं हूं, ये तकब्बुर आ गया। तकब्बुर आ गया। तो पहले उनको समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट अबाउट बीइंग डिफरेंट, इट इज अबाउट फाइंडिंग ट्रूथ इन योर वर्क व्हिच विल मेक यू डिफरेंट। असल मामला ये है। मुनफरिद देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल आपके लोग ज़रा बेहतर समझ पाएंगे। मैं एक यूनिलीवर की मीटिंग में कराची में गया और मेरी प्रेजेंटेशन हो रही थी और वो यंग ब्रांड मैनेजर्स थे और उनका बड़ा एक ख़ास एक एटीट्यूड था कॉन्डेसेंडिंग टाइप के, मतलब वी आर द क्लाइंट्स। कोई बात हो रही थी तो मैंने अचानक रुक के कहा कि एक काम करते हैं, आप अभी अभी मुझे कोई ब्रीफ दे दें, एनी ब्रीफ, और मैं अभी अभी आपको उसका एक टीवी कमर्शियल का आइडिया इन स्प्लिट सेकंड बताऊंगा और गारंटी करता हूं, गारंटी के साथ कि दुनिया में इससे ज्यादा यूनिक
आइडिया आपने कभी नहीं सुना होगा, तो वो एक दूसरे को किसी हंस के देखने लगे, मुझे बड़ा आई एंजॉय इट। तो मैंने उनको जब इंसिस्ट किया तो किसी एक ने कहा डालडा, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने कहा आप लोग सब गवा रहिएगा, आपने अभी अभी मुझे डालडा बोला है, मुझे नहीं पता था। तो मैं आपको अभी एक कमर्शियल बताता हूँ विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट यूनिक कमर्शियल। मैं कहा पहला सीन है एक बच्चा भाग रहा है, दूसरा सीन है गुब्बारे उड़ रहे हैं, थर्ड सीन है समंदर की लहरें आती हैं, चौथा सीन है डालडा का डब्बा आ जाता है। और वो सब बिल्कुल मुझे उस तरह से देख रहे थे जैसे आप देख रहे हैं, और उनको समझ नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि इससे ज्यादा बेहुदा आइडिया नहीं हो सकता था, राइट? पर मैंने क्या कहा था, यूनिक। फिर उनको मैंने समझाया कि दुनिया में, आज पूरी दुनिया में एडिबल ऑयल का इससे ज्यादा यूनिक कमर्शियल नहीं बन सकता। प्रॉब्लम यह है कि रेलेवेंट नहीं है। So, वो जो डिफरेंस मैं समझाने की बात कर रहा था कि हाउ डू यू वांट टू बी डिफरेंट इज नॉट द पॉइंट। जब आप खुद अपने काम में हकीकत और सच के साथ आप अपने अंदर तलाश करेंगे, आपके अंदर से ही निकलेगा आइडिया। ये तो नहीं होता ना जनाब कि मैं आप जब काम पे बैठता हूँ, या हमेशा जब बैठता था तो मैं कोई ईथरनेट का केबल अपने कान में लगाता था, या कोई यूएसबी था, या कहीं डॉगल था, ऐसा तो नहीं था। तो जो कुछ भी था मेरे अंदर से था। अगर मेरे अंदर से था तो लिहाजा क्या ये जरूरी नहीं है, इवन एज अ कॉमन सेंस, कि फिर मेरे अंदर क्या है वो जरूरी है। जब मेरे अंदर से बाहर निकलने वाली चीज मुनफरद होगी, लिहाजा मेरे अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो मुनफरद होंगी। अब वो क्या है, ये वो जुस्तजू है, ये वो एंडेवर है, ये वो तलाश है जिसको लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। और लोग ट्यूटोरियल्स को, सिंपल टेक्निक्स को, टूल्स को समझते हैं सीखना। सतही लेवल है ये, बहुत सतही लेवल है, इट्स वेरी शैलो। एंड आई विल टेल यू बिकॉज ऑफ विच मैं ये कह रहा था ना, जैसे कि आप सिर्फ दौलत जो है पैसा, यानी दौलतमंद को आप पैसे वाला समझते हैं, और अमीर भी उसको समझते हैं जिसके पास बैंक में पैसा हो या सोसाइटी में कोई स्टेटस हो। मुझे एक बड़ा नाम जिसने ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर लोगों को इंस्पायर किया हो, मुझे आप बता दें, बुल्ले शाह का बैंक बैलेंस क्या था? सुल्तान सलाहुद्दीन यूपी की वफात के बाद उनके पास एक दिनार और अबाउट 40 या 45 दिरहम थे टोटल। टोटल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें, सहाबा कराम की मिसाल ले लें, इवन सब छोड़े चले मॉडर्न टाइम में आ जाते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी की मिसाल ले लें। लिहाजा बड़ा होना एज अ सोसाइटी, हम क्योंकि यानी एथिक्स की इंटेलेक्चुअल और इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की तरफ चले गए, हमारा दिवालिया हो गया। तो जब आपका दिवालिया हो जाता है, कुर्की हो जाती है, तो आप खत्म हो जाते हैं। तो आपकी जब कुर्की हुई, क्यों, तो क्या आपसे छीन लिया गया? जैसे बैंक आपसे जायदाद छीन लेता है, आपसे आपकी वैल्यूज छीन ली गई। यानी इंसान साजी होने का जो अमल था पाकिस्तान में वो रुक गया, जहन साजी खत्म हो गई, तालीम इतनी आ गई कि तरबियत कहीं गुम गई और वो तालीम का साथ नहीं दे पाई। लिहाजा हम सब इस पे बिलीव करते हैं। तो आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू मेक माय वेरी नाइस माय कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके साथ कई दफ़े डिस्कशन हुई, आपने पाकिस्तान पे भी काफ़ी काम किया, पाकिस्तान को बहुत जगहों पे आपने सपोर्ट किया, और बहुत आपका पॉजिटिव रहा है हमेशा पाकिस्तान के बारे में। आपकी चूंकि एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी आपकी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आज भी अपनी आपको इंटरनेशनली क्यों वो एज नहीं दे सकी जो कि उनको देना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहली चीज़ ये कि अगर ये सवाल अमूमी तौर पे आप करें तो मैं इसको सही मानूंगा, लेकिन हर चीज की तरह एक्सेप्शंस हैं। ट्रू। और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, शान मसाला दुनिया का लार्जेस्ट एग्जॉटिक स्पाइस एक्सपोर्टर है, इट इज द बिगेस्ट, लिहाजा इट्स अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जहां पे सब कॉन्टिनेंटल कम्युनिटी रहती है, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, टू सर्टन एक्सटेंट नेपालीज, श्रीलंकन्स एंड इंडियंस।
शान मसाला इज एग्जाम्पल, जो बाद में आया चले, उससे पहले की एग्जाम्पल दे देता हूँ, रूह अफजा मशरूब मशरक अवेलेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर मैं आपको बात के मिसाल दे देता हूँ अपैरल्स के अंदर, खाडी वेंचर्ड आउट विद देयर स्टोर्स इन द यूएस एंड द यूके, यानी वो अब पोस्ट कोविड जो मुझे पता है वो अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन रैप अप कर रहे हैं, विच इज सैड न्यूज, बट इंटरनेशनली भी ऐसा हुआ, ज़ारा बर्शका इस किस्म के ब्रांड्स भी जो हैं उनको मैंगो को बोल रहे हैं, इन्होंने अपने आप को ऑब्वियसली दे एट द वर्ज ऑफ क्लोजिंग और अनाउंसिंग क्लोज डाउन्स बिकॉज़ सच इज द केस इन टर्म्स ऑफ द रियलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स टुडे इन द वर्ल्ड। ये तो मैंने आपको बता दी एक्सेप्शंस, अब दूसरे क्यों नहीं गए मुझे बताइए। आप जब किसी ब्रांड प्रोडक्ट या सर्विस को देखते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका प्रॉमिस। ब्रांड इज अ प्रॉमिस, इट इज। जब आप मैकडॉनल्ड्स का लोगो देखते हैं आपको पता होता है कि यहाँ पे मुझे फास्ट फूड मिलेगा, एक पर्टिकुलर टेस्ट का आपको आइडिया होगा और 3 मिनट के अंदर सर्व होगा, राइट। आप इसी तरीके से कोई भी ब्रांड ले लेंगे, आपको पता है अगर आप एरियल या सर्फ खरीदेंगे तो ये डिटर्जेंट है, ये कपड़ों के ऊपर इट विल बी इजी ऑन द फैब्रिक, टफ ऑन द डर्ट वगैरह वगैरह, और इस तरह से आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट कैटेगरीज देखते जाएं और उस प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर ब्रांड्स देखते जाएं, हर ब्रांड जो है डिफरेंट प्राइसिंग है, वेरिएंट है वगैरह वगैरह, राइट। जब बोतल पर लिखा होगा कि ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है तो उससे आप दांत तो नहीं वाइट करेंगे ना जी, ऑब्वियसली वो इसीलिए होगा, लेकिन लिखा होगा जो हेयर फॉल रोकता है वो अलग चीज है, राइट। लिहाजा ये तय पा गया कि ब्रांड इज अ प्रॉमिस, इट इज। अब मेरी बात करते हैं एज पाकिस्तानी, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एज पाकिस्तानी सच्चा हूं, आप मानेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड में सच बोलते हैं जरा सा मानेंगे? थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा डाउट है। आपको अगर मैं कहूं कि मैं दयानतदार हूं आप मानेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं मिलावट नहीं करता आप मानेंगे? ठीक है, तो ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं इन 3 पे रोक देता हूं। ये मुझे बताइए, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कंपनी, बाय एंड लार्ज एक्सेप्शन हर जगह होती है और उसकी रीजन मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है मेरे नजदीक, एंड आई कैन बी रॉन्ग, अल्लाह, कुरान, बीवी, बच्चे यानी औलाद, भगवान, गीता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी इन चीजों की जो कस्में हैं, इन चीजों की जो कसम खाई जाती है बड़े सगीर में, पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता कोई इंसान इतनी कस्में उठाता होगा जितनी इस रीजन में उठाई जाती है। जुल्म यह है कि झूठी। अब आ जाते हैं मायार पे, ये मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। जी जी। मायार क्या है? मैं कतई ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज झूठ नहीं बोलता, बोलता होगा, लेकिन जब आप वहां जाते हैं वो आपसे कोई बात आप उससे पूछते हो, कहता है I'm telling you, वो ये नहीं कहता I swear on Bible or I swear on my kid's head, वो इतनी लफाजी नहीं वो करता। आप मान भी लेते चाहे वो फ्रॉड हो, वाई कि वहां का जो बेसिक मायार तय है, मुतय्यन है उस सोसाइटी का, उस माशरे का, वो सच है, राइट। अब हम ये लोग हैं, अब इंटरनेशनल बायर कहां जाएगा जहां पे ये ट्रस्ट डेफिसिट होगा, या वहां जाएगा जहां पे ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होगा? या नहीं। अब मैं आपको मिसाल देता, 1947 में हम आजाद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़ी चीज है, 10 लाख लोगों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने, बच्चे, मर्द, औरतें, जो इस दुनिया की इतनी बड़ी मास माइग्रेशन का हिस्सा थे बंगाल और पंजाब के पार्टीशन के बाद, ठीक है। हमसे 1 साल बाद चाइना के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन आती है 1948। अब हमारा साइज देखें, जब हम आजाद होते हैं, अगर हम वेस्ट पाकिस्तान को सिर्फ काउंट करें जो आज पाकिस्तान है, तो उस वक्त 3-3.5 करोड़ टोटल आबादी थी, राइट। अब आ जाते हैं चाइना जो हमसे 1 साल बाद आजाद होता है। You will have to understand, and you can read up just to save you time. वो हमसे ज़्यादा करप्ट थे, वो हमसे ज़्यादा उनके हाँ गैर तालीमी याफ्ता तबका था,
दुनिया की सबसे बड़ी मेरे ख्याल अफीमचियों की जो आबादी थी वो वहां थी, नशई, चोर, झूठे, राशि, राइट। ये है हमसे एक साल बाद, हम इस्लाम का किला बने थे, वो नहीं थे, वो गॉडलेस थे, सोशलिस्ट। 2025 में चाइना विल बीट द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ यूएसए, द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी चाइना। हम 2020 में बैठे, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, राइट। ये मैंने आपको इसलिए कहा, ये उसी सवाल के जवाब की कड़ी है। वो इसलिए कि फिर ऐसा क्या हुआ कि वो कर गए, आज दुनिया की कितनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, मोबाइल सेलुलर फोन्स को ले लें, एनीथिंग, आप इवन ये ब्रांडेड बड़े बड़े अमेरिकन प्रोडक्ट्स को ले लें, एप्पल कंप्यूटर्स को ले लें, आईफोन्स को ले लें, यू नेम इट, आप दुनिया के अंदर कोई भी कोई, हाँ, क्या वजह हुई, ऐसे क्या वहां पे मुआवजा हुआ हमारे बाद। हम तो कलमा गो कौन है ना, हम तो बड़ा ईमान अफरोज कौन है, बड़ा फकर है, वो गॉडलेस क्रीचर्स किधर पहुंच गए दुनिया में, राइट। और दुनिया उनसे काम कर रही है। अब आपके ये सवाल में मेरे ख्याल इस बात पे जवाब आपको मिल जाना चाहिए था, लिहाजा आपने जब ये सवाल पूछा कि हम क्यों नहीं करते, इसके दूसरा एंगल भी आपको समझा देता हूं जो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है ज़ोंग एक सेलुलर कंपनी है जो बाद में आई, सबसे आखिर में आई, उनका जो कंपनी विजन है ना पाकिस्तान के लिए, वो 200 साल का है, 200 years, जी जी 200 years। ये एक कंपनी है, एक जिसका विजन डॉक्यूमेंट is envisaging 200 years later, which will obviously shape up, will keep molding. Yeah. Vision never changes. The path can change. Right. अब मुझे बताएं, आपका ये सवाल कहां खड़ा है जो आपने मुझसे पूछा कि हम ग्लोबल मार्केट में क्यों नहीं जाते, और अगर हम ने कोई चीज एक्सपोर्ट की तो वो हमारा बुरा इमेज किया, गलत इमेज किया, क्यों? आपने मुझे स्टार्ट में बताया था कि आपका शो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, और मुझे इससे दो बातें समझाने दीजिए कि अहमद फराज मरहूम, जो हमारे शिबली फराज जो अब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, उनके वालिद, NTM में एक चैनल होता था, उसका शो था, मोहम्मद अली एक्टर साहब का एक ट्रिब्यूट का शो था, सबके टेबल पे बार बार वो जा रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग शो था, सब उनके लिए अच्छे कलमात अदा कर रहे थे। जब अहमद फराज की बारी आई तो वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इस बंदे के लिए मैं क्या बात करूं, ये भी भला कोई बंदा है, सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा जिसका एक मैंने अफेयर का नहीं सुना, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं सुनी, इसके लिए मैं क्या बोलूं। लिहाजा जब आपने कहा कि आपके शो में कंट्रोवर्सी नहीं है, तो मैं यही सोच रहा था इस पर क्या बात की जाएगी। इसका मतलब है कि सब अच्छा है, यानी नीरो जो है वो रोम में बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है, चाहे रोम जल रहा हो। दिस इज नॉट फेयर टू योर ऑडियंस, ये ज्यादती है कि अगर हम सच को सच नहीं कहेंगे, हम अपने बेसिक, मैं समझता हूँ हमारे रोल में हम फेल कर जाते हैं। तो ये मैंने आपको किस्सा सुनाने से मुराद ये थी कि मैं ये समझाऊं कि जब हम ये बात करते हैं कि हम क्यों नहीं हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारी क्या स्टैंडिंग है, और मैं जब फिर ये कहूंगा कि हमने जब एक्सपोर्ट किया तो बुरा इमेज किया, तो वो आपने तो नहीं किया, आपने किया नहीं, आर यू श्योर, आप कसम खाने को तैयार कि आपकी वजह से नहीं हुआ पाकिस्तान का बुरा इमेज? मैं भी कसम खाने को तैयार हूं, मैंने नहीं किया, मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन फिर क्या वजह है कि जब आप अपने आप को बाहर जाकर इंट्रोड्यूस कराएंगे आज पाकिस्तानी, या मैं कराऊंगा, अलावा चंद ममालिक है जहां भी आपकी इज्जत है, आपको शक की नजर से, आपको जिस अकदार पे परखा जाएगा, ना उसके जिम्मेदार आप है ना मैं हूं। लिहाजा मैं इसलिए कहता हूं कि पॉलिटिक्स जो है इनवेरिबली इसमें शामिल इसलिए हो जाती है कि फिर ये किसने किया, ये मैंने तो नहीं किया, अच्छा ये तय हो गया आपने भी नहीं किया, आपके जो 100% में से 99% लोग देखेंगे उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन खुमियाजा उसका वो भुगत रहे हैं, सारे भुगत रहे हैं।
तो फिर ये डिसीजन किसने किया? जो एम्पावर्ड थे. एम्पावर्ड कौन होते? हाकिम, लीडरशिप, राइट? हाकिम पहले तो आ जाए सोसाइटी पे. मैंने आपसे पहले कहा हमने जहन साजी नहीं की, हमने इंसान साजी नहीं की. True, very true. आज हम और हर तौर में, चाहे मीडिया हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, क्यों नहीं की? सिर्फ मिलिट्री एक वाहिद क्यों रह गया? क्या मिलिट्री के अंदर जो पाकिस्तानी थे वो मरीख से अलग से आए थे? नहीं ना, वो तो आप में और मुझसे ही गए थे. They kept their identity. No, they instilled the discipline within them. Discipline, hierarchy, right? Understanding of a common good, larger purpose, clarity of objectives. मैंने आपको फौज में भेजा, हम दो भाई हैं. आप बिल्कुल बदल गए, मैं नहीं बदला. इसका मतलब है जो हमारी मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट होती है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी कंडीशनिंग को. लिहाजा इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे से जब आप बात करेंगे गाहे बगाहे इनवेरिएबली सम शेड्स ऑफ पॉलिटिक्स विल कम इन. व्हाई? बिकॉज ये हमारी कौमी धारे का, नेशनल लाइफ का एक हिस्सा है. इम्पोर्टेंट क्योंकि आईन में लिखा गया है कि सियासत करना आपका और मेरा जमहूरी बुनियादी हक है. अब अनफॉर्चुनेटली ये राइस है हमारा मैंगो है जैसे, तो ये पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर ग्लोबली रहा है. और अगर आप मैंगो की भी बात करते हैं तो पर यूनिट प्राइस मतलब दूसरे मैंगो से मल्टीपल टाइम्स हुआ करती थी, जस्ट बिकॉज दैट्स पाकिस्तानी. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन फॉलो एंड वी कैन कम बैक टू दैट पोजिशनिंग दैट वी कैन मेक पाकिस्तान एज अ ब्रांड, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एज अ ब्रांड? देखिए प्रोडक्ट जो है ना इकॉनमी के अंदर, यानी हमारा बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान में? इकॉनमी है ना. True. और हमारा क्या है? एक डेफिसिट है ना फाइनेंस का, बिटवीन आवर स्पेंडिंग जो हम खर्च कर नेशनल कॉम मुल्क और दूसरा जो हम कमा रहे हैं उसके बीच में जो डेफिसिट है वही करंट डेफिसिट होता है जी. और उसी की वजह से हमें कशकोल उठा के कभी सऊदी अरब जाना होता है, कभी यूएई जाना होता है, कभी चाइना जाना होता है, कभी आईएमएफ की गोद में बैठ जाना होता है और रिस्ट्रक्चर कराने होते हैं. हमारे सर्कुलर डेट विद इन द कंट्री इतना बड़ा है. आपको समझना पड़ेगा पैसे की, रुपए की डिवेल्यूएशन देख लें, यानी इतने मसाइल हैं. इसका इम्पैक्ट आएगा ना कि नहीं आएगा? डेफिनेटली. तो इनपुट इक्वल्स आउटपुट. ट्रू. एनर्जी कॉस्ट जो होती है इज वन ऑफ अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑन द ओवरहेड्स, ऑन द ओवरहेड्स एंड देयरफॉर द प्राइसिंग. ट्रू. तो दुनिया में आप, अगर मैं अगेन मिसाल दूं, मैं ये खरीद रहा हूं तो इसकी जो भी कीमत है इसके अंदर हर कॉस्ट इनबिल्ट है ना जी. ट्रू. तनख्वाहें, ओवरहेड्स, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, मार्केटिंग, एवरीथिंग, कस्टम्स एंड एडवर्टाइजिंग. सो आई एम पेइंग फॉर इट. ट्रू. राइट. और इसी तरीके से अगर ये स्मगल्ड है तब भी मैं उनके एक सर्टन को तो दे रहा हूं. सिर्फ फर्क की हो रहा है, मैं ड्यूटीज नहीं दे रहा. आप ब्रांड बनाएंगे तो ब्रांड कैसे, जब इंसान अच्छा नहीं है? मुझे एक बात बताए, मतलब मैं बुरा हूं, मिसाल है मेरी नीयत बुरी है, मेरा किरदार बुरा है, मेरी सोच बुरी है, मैं हर चीज झूठ, मुनाफकत, बददियानती पे कायम हूं, और आप कह रहे हैं मग बना के दो, मैं सही बना के दूंगा. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझसे? यू आर गोइंग अगेंस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस. आप ये कर सकते हो कि नहीं? आप बताए. नहीं कर सकता. तो फिर आप ये सवाल आपका कैसे हो सकता है सही? जब मैं मिलावट करता हूं, जब मैं जहां मेरा बस चले, यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास खुतबे में जब ये फरमा दिया कि इवन तोल के बेचो, क्यों कहना पड़ा? इनके मुनाफा और मुफाद इंसान के अंदर मौजूद है. मुनाफा और मफाद, और ये वो दो चीजें हैं जो आपसे हर गलत काम कराती हैं. मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरा घर, हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन मेरा गेट तक नहीं रहे, बाहर कचरा फेंको कुछ कर. देखे इंसान साइज ही, आपकी ब्रांड बाहर इसलिए नहीं है कि आपकी ब्रांड सबसे पहले तो मैं और आप है ना. अब उसके अंदर क्यों ये मसला हो गया? अगेन मेरा सवाल है क्यों हुआ? हम बुरे क्यों हो गए? हम पैदा तो ऐसे नहीं होते. नहीं.
वो इसलिए होता है कि जब आप पहली चीज है बड़े हो रहे होते हैं माजरत के साथ, तो वो घर में बेल बजती है और वालिद घर में होता है और आपकी उम्र 5-6 साल होती है और वालिद आपको कहता है बेटा जाओ जाके बोल दो अब्बू घर पे नहीं है। मैं छोटा सा हूँ मिसाल है, मैं जाके बोल देता हूँ। फिर किसी दिन मेरी बहन होती है या मैं ही होता हूँ, फोन बजता है और मैं उठाता हूँ तो फर्ज करें फरखंदा आंटी की कॉल होती है। वो कहते हैं बेटा मामा कहाँ है, माँ पीछे से इशारा करते हैं क्योंकि उसने कमेटी के पैसे देने होते लेट हुआ हुआ होता झूठ बोलते। अब ये बच्चा, अब आपको समझना पड़ेगा कि इंसान के दो फेजेज आते हैं, एक होता है 3-7 ईयर्स और दूसरा होता है 7-11 ईयर्स। या आपके पहला होता है फॉर्मेशन, दूसरा होता है कंसोलिडेशन। इन दो फेजेस से गुजरने के बाद यानी 11 ईयर ऑनवर्ड्स आप आते हैं थर्ड स्टेज में व्हिच इज इंडॉक्ट्रिनेशन। अब पहली बार फर्ज कीजिए मैं ये सब करता रहा तो झूठ था ना। माँ आपको सुला रही है बेटा सो जाओ काला आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, चौकीदार आ जाएगा, बड़े हुए पता लगा है सब, ये भी तो झूठी है। अब आप मेरे कान में मेरे सिस्टम में झूठ डाल रहे हैं खुद। जब मैं पहली बार कुछ 13-14 साल होके फर्ज कीजिए बोलता हूँ झूठ माँ से बाप से मिसाल दे रहा हूँ तो मुझे उसकी मार पड़ती है। मेरे जहन में पहला कन्फ्यूजन आ जाता है यार ये क्या हुआ। अब मैं उनको ये नहीं बता सकता कि शायद मुझे याद भी नहीं हो गई, लेकिन ये तो मेरे लाशौर में प्रोग्रामिंग जो है कंडीशनिंग आपने की थी। फिर मैं बाहर जाता हूँ, फिर मेरे दोस्त होते हैं कुछ, वो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर ले। फिर स्कूल में झूठ बोलना सीखते हैं, फिर हम अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में या नौकरी में जाते हैं जहाँ पे फिर हम खुशामद करना सीखते हैं। झूठ के साथ साथ अब इस पर बहुत खतरनाक चीज ऐड हो जाती है, खुशामद होते होते आप एक अल्टीमेट अमूमी तौर पे मुनाफकत का मुजस्मा बन जाता है। अच्छा और मुनाफिक है क्या? कुरान में 27-28 बार से करो सूरह मुनाफिकीन आई, लेकिन कहीं भी कुरान में एक्सप्लेन नहीं हुआ कि मुनाफिक क्या है, राइट? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप प्लीज एक्सप्लेन टू अस, और उसका उर्दू में मैं आपको मफहूम समझा देता हूँ, बड़ा सिंपल है। और उसके दो हवाले कई जगह लिखा गया कि 4 बताया उन्होंने निशानियां, अमूमी तौर पर 3 को माना जाता है। बहरहाल कतई नजर उर्दू में इसका यह है कि नंबर 1 जो अपने कॉल से मुकर जाए यानी झूठ बोले, वेरी सिंपल। दूसरा कि जब उसको कोई अमानत हो उसमें खयानत करता है, और थर्ड कि जब वो मुनसिफ हो या इंसाफ के एक अदल के इंसाफ के मकाम पे हो या फैसले के आम जुबान में वो अदल ना कर सके आपके साथ। ये 3 चीजें, अब ये 3 चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। आप मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजिंग की बातें कर रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े सवाल मुझसे पूछ रहे, मैं तो आपको छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये 3 मेजर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अब इस पे आप लोगों को अपने जहन में डालना शुरू करें और आप लोग भी सारे बताएं इनमें से कितने लोग पास होंगे। शायरी में फिर आप कहते हैं कि मेरा ब्रांड बाहर क्यों नहीं है, जब मेरे अंदर गलत है तो ये अच्छा कैसे बन सकता है, क्योंकि मेरी नियत जो है आउटपुट मेरा मफाद है, मेरी मुनाफकत है, मेरा मतलब है। सो हम सेल्फ पे रुक गए जो मैंने शुरू में कहा था, हम सेल्फलेसनेस पे नहीं गए। हमने ये नहीं कहा कि नहीं मैं अपनी जात के फायदे से अपने मफाद से बालतर होकर पैसे भी कमाऊंगा, तजारत पर हक है, बिल्कुल है आप करें, लेकिन किसने आपको कहा है कि आप शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दें, आप उसमें 2 नंबरी कर दें, मिलावट कर दें, और आपके टेलीविजन के अंदर आज न्यूज चैनल्स ले लें, सोशल मीडिया ले लें, भरे हुए नाम इस्लामी होगा प्रोडक्ट का, उसके अंदर मिलावट होगी, चाहे वो शहद है चाहे वो अजवा खजूर का पाउडर है। आप मुझे बताएं ना मेरे भाई, मेरे इनपुट इक्वल्स आउटपुट, मैंने आपको शुरू में पूछा था, आपने कहा था यस बिल्कुल, तो अगर मेरे अंदर गंद है तो मेरे बाहर क्या आना, ट्रू ट्रू, तो गंद ही आएगा ना, ट्रू।
अब वो गंध अगर आप समझते हैं मार्केटेबल है और फिर क्यों नहीं मार्केटेबल हो रहा, मार्केट हो रहा, तो फिर ये सवाल मेरे से बालाता है। वी नीड टू चेंज इंट्रिंसिकली इंटरनली फर्स्ट टू बी एबल टू मेक अ डिफरेंस एक्सटर्नली। जब हम नेपोटिज्म को, क्रोनीइज्म को, फेवरेटिज्म को खत्म करेंगे, जब आप PIA की बात करते हैं, तो PIA जिस PIA की आप बात कर रहे हैं, जिसने एमरेट्स बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइन बनाई, जिसने आलिया रॉयल जॉर्डेनियन बनाई, राइट, अच्छा वो अब यहाँ कैसे है कि वो हुकूमत से बेल आउट मांगती रहती है? तो फिर आपको देखना पड़ेगा, अच्छा तो फिर असगर खान का क्या रोल था? आपको देखना पड़ेगा नूर खान का इस मुल्क की एविएशन में, यानी असगर खान का ओवरऑल एविएशन का, चाहे आर्म फोर्सेस की हो या कमर्शियल एविएशन का, क्या 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 फर्क है? यानी हम तो ओरिएंट एयरवेज थे ना पहले, जब पाकिस्तान बना, तो फिर पाकिस्तान PIA बाद में आया जी, इस फानीज की थी आई थिंक ओरिएंट एयरवेज। व्हाट वेंट रॉन्ग? लीडरशिप, ईथोस। अगर मैं मुनाफकत कर रहा हूं, कह मैं कुछ रहा हूं, कर मैं कुछ रहा हूं, रिजल्टेंट भी एसेट्स बियॉन्ड मीन, इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है पाकिस्तान में, क्यों है? आपका क्या ख्याल है, क्या हर बंदे को यह मौका नहीं मिलता? यह मैं आपको गारंटी करता हूं, चले छोड़ दें, जिंदगी में कम अज कम एक बार हर इंसान को, ऑल सोशल स्ट्राटा, दो नंबरी का कम अज कम एक मौका जरूर मिलता है। हो नहीं सकता ना, ट्रू, ऐसे ही, राइट, ऐसे ही। हाउ डू यू प्रिवेल द टेम्पटेशन? जब तक आप ये नहीं करेंगे, तो फिर अच्छे अदारे भी नीचे आना शुरू हो जाते हैं। आप अपने, अच्छा फौज का अदारा नीचे क्यों गया है? मिसाल ले लेते हैं ना, PIA नीचे आ गया, स्टील मिल नीचे आ गई, मिसाल हमारे ही मुल्क के अदारे हैं ना, बिल्कुल, इसके अंदर कोई बाहर से कोई नहीं आया, वह हमने किया हुआ है। रेलवे नीचे आ गया, पावर जनरेशन नीचे आ गई, मुझे बताएं फौज भी तो एक इदारा है, बिल्कुल, ये नीचे क्यों नहीं आया? लीडरशिप डिसिप्लिन, राइट, एंड द वैल्यूज दैट यू प्रिवेल। सो लीडरशिप कीप्स चेंजिंग। ये तो बड़े कम हिस्ट्री में मवाके हुए, एक एक्सटेंशन मिली और मिल जाती है, बहरहाल चाहे मैं उसके खिलाफ हूं पर्सनली, लेकिन मिलती है। उन्होंने अपने जो फाउंडेशन है वो मजबूत रखी, वैल्यूज आपकी होती है, फाउंडेशन, फाउंडेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी। देयर इज नो क्रोनीइज्म, देयर इज नो फेवरेटिज्म, कुछ नहीं है। एक NCO का बेटा, नॉन कमीशन अफसर का बेटा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग सकता है और लगा। एक नॉन कमीशन को कमीशन अफसर बनने के भी मौके, पूरे मौके हैं। आई नो समवन जो के अप टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, के रैंकर रोज फ्रॉम अ सिपाही एंड वेंट अप टू अ ब्रिगेडियर, माशाल्लाह। और बहुत हैं ऐसे, मैं तो वो कह रहा हूं जिनको मैं जानता हूं। ब्रांड याद रखिएगा कुछ भी नहीं है, वो तो एक कमोडिटी है जिसको मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन से, इंग्रेडिएंट से, या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन से, या इंग्रेडिएंट्स या फीचर से आप पैकेज करके उसको अपना नाम दे देते हैं। वो तो आपका नहीं होता ना जी, वो तो औरों का, आपका कंपेटिटर भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके पीछे जो चीज कार फरमाया है वो है विजन, विजन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स। अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव ये हो गए यार मैंने सिर्फ पैसा कमाना है और कंज्यूमर्स को लूटना है, और मुझे बताएं दुनिया भर में कितने प्रोडक्ट्स हैं जो गलत हुए हैं, और फिर एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रिकॉल, रिकॉल आप वापस मंगाते, चाहे गाड़ी का टायर गलत हो गया हो, चाहे बैटरी फटने लग गई हो, जो सैमसंग के साथ हुआ, लातादाद है। हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ दूध पकड़ा जाता है कभी, यानी फूड, पंजाब फूड अथॉरिटी के जितने छापे पड़े और जितनी चीजें पकड़ी हैं सरेआम नाम के प्रोग्राम में और इस किस्म के जो प्रोग्राम्स में आप देखते हैं पाकिस्तान में, जो जाली फैक्ट्रियां हैं, जो कन्फेक्शनरी आइटम्स बना रही हैं, बच्चों को जहर खिला रही हैं, आपकी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो, ऐसे माहौल में आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से एक बड़ा फैंसी किस्म का प्रोडक्ट बाहर चला जाए? आपको फ्लिप साइड बताता हूँ, 1996 या 1998 में शायद प्रेसलर अमेंडमेंट जब लगी पाकिस्तान पे, तो F-16 का मसला पाकिस्तान का, जिसके अपने पैसे दिए हुए थे, एक ब्रांड है ना वो, जहाज है उसके, ऑल वेदर फाइटर इंटरसेप्टर है, बड़े जबरदस्त, और अमेरिका ने कहा जी हम आपको नहीं देते, आप पेमेंट मेंट अब लगा दिए, हम आपको कोई मिलिट्री चीज नहीं बेचेंगे सामान।
हम लड़ते रहे, पैसे दे चुके थे। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी अगर आप चाहेंगे तो चले हम आपको वीट दे देते हैं और सोयाबीन दे देते हैं, लेकिन शर्त ये इकट्ठे उठाओ। दे मेड पाकिस्तान लाइफ मिजरेबल, मिजरेबल किया बड़े पाकिस्तानियों को, बड़े सफाक लोग हैं। तो कुछ पाकिस्तानी थे ना जी जिन्होंने बैठ के उस वाक्य के बाद तहिया किया कि हम अपनी ये डिपेंडेंसी जो है खत्म करेंगे, बिकॉज हमारे अपने कंपल्शंस हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं एज ए नेशन स्टेट, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट। और एक दिन आपको पता है JF-17 एक लोकल ब्रांड बन गया चाइना के साथ, कोलैबोरेशन कमाल नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी। नो डाउट, फर्क क्या हुआ फिर? नो डाउट, यहाँ पे मिसाल है दवाई पकड़ी गई जो जाली थी और वहां पे आपने एक एरोनॉटिकल मिरेकल कर दिया, आपने JF-17 ऑल वेदर फाइटर इंटरसेप्टर जेट तैयार कर लिया एज पाकिस्तानी, जिसका 5th generation अभी आप अपग्रेड कर रहे हैं। ये हुआ कैसे? बट जस्ट हैपेंड। मैंने आपको फिर अब सारा डिसमिल चीज दिखा के आपको एक मजेदार चीज दिखाई। अब इसकी फ्लिप साइड देखें, एक गाड़ी आप लेकिन अपनी नहीं बना सके, क्या आप ये मानते हैं कि एक जहाज के अंदर जो सोफिस्टिकेशन और इंजीनियरिंग और चीजें इनसाइड टेक्नोलॉजी लगनी है गाड़ी में उससे कम लगती है? बराबर तो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हमने आज तक अपनी गाड़ी क्यों नहीं बनाई? कोई फोकस नहीं ना उस साइड पे, राइट? यू विल नेवर फोकस। फोकस किसका काम है? विजन कौन देता है? एक दिन हबीब फैमिली उठ के कहती है कि जी अब हम टोयोटा नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे पाकिस्तान में, अपनी गाड़ी बनाएंगे। नहीं, लीडर अब कहते हैं कि नया पाकिस्तान है। 2.5 साल गुजर गए, अभी तक तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढ रहा हूं। लेकिन मैं इनको बार बार समझाता हूं अगर करना है तो ये चीजें कर जाओ। और मैं इसलिए समझाता हूं कि इंसान साजी करने के लिए 5 साल बहुत कम है, आपको 20-25 साल लगेंगे। उसका शुरू एजुकेशन से होगा, यानी आपको एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता, आपको हीरोज क्रिएट करना पड़ेंगे, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। आपको 3 to 7 years, 7 to 11 years के जो कंसोलिडेशन फेज है, फॉर्मेशन का फेज है, और फिर इंडॉक्ट्रिनेशन बाद में आती है। ये नहीं हो सकता कि अचानक मैं 13 साल का मैट्रिक करके 14 साल का बाहर निकलूं, आप मुझे किसी लाइन में लगाएं। ये जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म नहीं है कि मैं एक लाइन में खड़ा हूँ, आप इंजेक्शन बुलवतनी का और अच्छे इंसान बनने का लगाते जाएं, जबकि मैं अपनी सोसाइटी में, अपने गिर्दोनवा में, अपनी क्लास में, अपने मोहल्ले में ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। शहजाद भी, इस वक्त यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं आप, और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से अपने आप को ग्रो करें और एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, यूथ एक तो बड़ा 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 वेग वर्ड है, इट्स वेरी वाइड आल्सो। ये मौका पाकिस्तान को पहली बार मिला है, वो मैं बताता हूँ क्या। आज पाकिस्तान की जो मीडियन एज है वो 22 साल 8 महीने है, यंगेस्ट पॉपुलेशन। और वेस्टर्न कंट्रीज क्रेव करती हैं, इसलिए तो उन्होंने इमिग्रेशन खोली हुई है कि उनको लोग जवान चाहिए। तो हमारा जो यूथ बल्ज है बहुत बड़ा है, उनको क्या करना चाहिए? तो ये सवाल उनसे ज्यादा पहले तो ये होना चाहिए कि उनके उस्तादजा ने, उनके वालदेन ने अब तक क्या किया। आपको पता है एवरेज पेरेंट किस चीज की फिक्र कर रहा होता है कि ये अच्छा इंसान बने ना बने, इस पे ज्यादा बात नहीं होती, ये किसी अच्छी जगह जाके नौकरी करे। लुक एट द प्रेशर, लुक एट द प्रेशर, इकोनॉमिक कंपल्शन। और वैसे आप जरा सी ब्लास्फेमी की कोई बात कर दें, आप जुलूस लेके निकल जाते हैं, यूट्यूब बंद करो। 2012 से 2015 तक आपने यूट्यूब बंद कर दिया, इतना जज्बा है जी। वो जज्बा तब कहां जाता है जब आपको ये पता होता है राशि जो है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जानवी है। वो जज्बा कहाँ जाता है जब आपको पता है कि इंसान की 3 चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रख ली, उनको पता था कि इंसान की औकात नहीं है। ये अपने बच्चों को काउंसिल करते हुए, किसी उस्ताद को, किसी वालदैन को, क्योंकि देखें अल्लाह, अल्लाह का रसूल, उसके बाद वालदैन और उसके बाद उस्ताद, ये 3 रुतबे हमें बताए गए हैं कुरान में। लिहाजा वालदैन और उस्ताद, उस्तादजा की मैं बात करूँगा, उस्तादजा की। तो ये जज्बा किधर चला जाता है जब आपको ये कंफर्म पता है कि 3 चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रख ली, कि इज्जत ज़िल्लत मेरे हाथ में है, रिस्क लेना देना मेरे हाथ में, जिंदगी मौत मेरे हाथ में है।
तो इंसान की तो फिर बाकी जो उसका जो तारा इख्तियार है खत्म हो गया। फिर आप क्यों उठा के फोन करते हैं, नेपोटिज्म करते हैं, अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को जबरदस्ती कहीं नौकरी दिलाते हैं, किसी का हक मारते हैं? फिर आप क्यों ऐसे हैं जो किसी की फोन पे उसको अकोमोडेट करते हैं, चाहे सियासी बुनियादों पर, लसानी बुनियादों पर, किसी फिरके की बुनियाद पर या किसी और कंसिडरेशन पे, कबाइल की बुनियाद पर, फैमिली की बुनियाद पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं आपकी यूथ को वो मैसेज दूं तो सब तो मुझे जूते मारना शुरू हो जाएंगे, ये क्या बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि ये सब चीजें छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, ये तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं यूथ को ये कहूंगा कि आपने बदलना है, ये भूल जाए कि मुल्क ने बदलना है, आपने बदलना है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो मुल्क बदलेगा। इमरान खान जब आए थे और आप यूथ ने ज्यादा सपोर्ट किया, एंड देयर इज नो हार्म इन इट, आगे वो क्या करते हैं वो मौरख लिखेगा, मेरा ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे मुल्क के लीडरान पे आती है, स्पेशली इमरान खान पे, जो कि फेस ऑफ चेंज थे, क्योंकि उन्होंने तब्दीली की बात की थी, और तब्दीली तो बहुत चीजों में वो कर रहे हैं, जो अपनी बातें करते हैं उससे बदल जाते हैं, तो तब्दीली है। काश वो बेहतरी की बात करते हैं, तब्दीली की नहीं, तब्दीली तो बुरी चीज भी हो सकती है। एक काली चीज के बजाय मैंने दो काली चीजें रख दी, एक काली भेड़ के बजाय चार रख ली, मिसाल है, जहां पे ताल्लुकात की बुनियाद पर एक बंदा रखा जाता था, मैंने चार रख लिया, ये तो तब्दीली है ना, चेंज हो गया। सो चेंज डज नॉट मीन गुड इन इट्स ओन सेंस, बेटरमेंट, बेहतरी। आप इमरान खान साहब के आने से लेकर हमारी यूथ को समझना पड़ेगा कि जब इमरान खान आए थे, अगर उनकी नीयत बहुत अच्छी है, जो कि लोग कहते हैं और होनी चाहिए, सबकी होती है, मुल्क के दुश्मन तो कोई भी नहीं है, अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं तो वो तो आइन के दायरे इख्तियार में काम कर रही हैं। ये हमारी चॉइस होती है कि हम किसको, किसका नज़रिया बाय इन कर लेते हैं, किसका मैनिफेस्टो। तो इमरान खान के आने से आपके ख्याल से मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि अगर किसी मुल्क के दही इलाके में एक सब इंस्पेक्टर था जिसके 5 बच्चे थे और उसकी 30-32 हज़ार की तनख्वाह है और उसके जो खर्चे हैं वो उसकी तनख्वाह से ज़्यादा है, राइट, क्या वो रिश्वत लेना छोड़ देगा क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए? नहीं, असल इस मुल्क में मसला ये बड़ी करप्शन नहीं है, छोटी करप्शन है। बड़ों को तो एक बार पकड़ लेंगे, जिनको अभी तक कुछ प्रूव नहीं कर सके, एक रुपया वापस नहीं आया, लेकिन रोज बेचारा जब कोर्ट में धक्के खा के तारीखों के पैसे देता है, जब कोई ड्राइवर्स लाइसेंस बनाने के पैसे देता है, जब रोड पे चलान के पैसे देता है, जब बिजली के कनेक्शन के लिए पैसे देता है, जब गैस के कनेक्शन के पीछे पैसे देता है, ये सब मौजूद है। करप्शन ये होती है ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, तो वो नहीं चेंज होगा। इमरान खान के आने से आप या मैं रेड लाइट पे गाड़ी नहीं रोकेंगे, इमरान खान आ गया। कचरा रोड पे, कराची में जो नाले बंद होते हैं, ये कचरा फेंकने से होते हैं भाई। इतनी सिंपल, 72 साल गुजरने के बाद हमारे पास सिविक सेंस नहीं है? आप मुझसे कहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो है 5th Avenue पे क्यों नहीं बिकता, मैडिसन एवेन्यू में पाकिस्तान की कोई एड एजेंसी क्यों नहीं है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। हम बबल में रह रहे, तो ये जो हमारी यूथ है, देखे हमेशा दो तरह के लोग होंगे, लीडर्स होंगे और लैगर्स होंगे, है ना? तो हमें लीडर्स की जरूरत है। अब लीडर का ये मतलब नहीं है आप लोग सियासी नारे लगाने शुरू कर दें, लीडरशिप का ये मतलब होता है आप इनिशिएटिव लेते हैं और इनिशिएटिव लेने के बाद उस पर पाबंद रहते हैं, कार फरमा रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप मुझे एक बात बताएं, मुल्क तो दूर की बात है ना, आप एक अपनी गली का जिसमें 20-30-40 घर है फर्ज करें, उसकी सफाई का तो ख्याल रख सकते हैं, उसके अंदर तो आप एक बेटर लिविंग कंडीशन जो आप कर सकते हैं, आपकी गली के अंदर अगर कोई कुंडा लगा के बिजली चोरी कर रहा है मुल्क के ग्रिड से, आप वो तो रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी ने मीटर स्लो करा, आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। आप लाइन में लग जाए ना, क्या फर्क पड़ता है? क्यों किसी से फोन करा के पासपोर्ट लेने के लिए लाइन को तोड़ते हैं? क्यों इमिग्रेशन के पास, जब आप पढ़े लिखे बनते हैं और अभी अब बाहर से दिलमा देखें, मिसाल है मैं हूं, अभी मैं बाहर घूम के आया हूं, मैं फर्ज करें यूके गया हूं, इधर गया हूं, लेट्स से जैसे होता है हमारे मुल्क की एलीट का,
बड़ी जबरदस्त वेकेशन करके आया हूँ, जैसे ही पाकिस्तान आया आज वो सब जगह बिल्कुल इंसान बना रहा। जैसे ही पाकिस्तान हो पहले अगर मेरे ताल्लुकात होंगे, इफ आई एम समबडी, तो मेरी बेइज्जती होगी कि मुझे कोई कस्टम्स के प्रोटोकॉल का बंदा मुझे एस्कॉर्ट ना करे, एस्कॉर्ट करके लाइन को जंप करा के मेरी फॉरेन इमिग्रेशन ना कराए। और ये अभी मैं आया हूँ, इससे हमारा आप सीखने की बेहसी देख लें। अभी एक पूरा मुल्क का सिस्टम देख के आया हूँ और यहाँ आते ही बिगड़ गया। वजह मैं अपने यूथ को समझाना चाहता हूँ कि एम्बेसडर्स बने मुल्क के, एम्बेसडर्स बने। एम्बेसडर कैसे बनते हैं कि आप सही करें, आप दूसरों की परवाह ना करें, आप खुद तो सही हो जाए। मैं ये करता हूँ अपने साथ, मैं औरों की मैं इसलाह करता हूँ, कोई मुझसे सवाल पूछता है मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं वो करता हूँ जो मैं कहता हूँ। क्योंकि ये मुल्क का जो पोटेंशियल है बहुत है। हम पाकिस्तान की जब भी बात करते हैं, आप गूगल कर लें आप पाकिस्तान के ऊपर कोई वीडियो, तो जो टॉप पाकिस्तान के फीचर्स बताते हैं वो तो जियोग्राफिक हैं। पाकिस्तान में इतने पहाड़ हैं, पामीर है, फाइव पीक्स हैं, हाईएस्ट हाईवे है, पाकिस्तान में चार मौसम है, पाकिस्तान में दरिया है, पाकिस्तान में डेजर्ट है, पाकिस्तान में ये है वो है, हरियाली है, इसमें हर तरह का फल है, हर तरह के अल्लाह ताला ने अनाज दिया है, मिनरल्स हैं, मेवे हैं, अजनास है, एंड आई थिंक दिस इज ब्यूटीफुल। बट मेरा सवाल है इसमें आपका क्या करना धरना, ये तो खुदा ने किया था। ट्रू। अभी पिछले दिनों मैंने एक प्रेजेंटेशन में यूथ कॉन्फ्रेंस थी और बहुत अकलमंद 400-600 बच्चा आया हुआ था, उनको मैंने सिलेक्टेड तस्वीरें दिखाई बहुत खूबसूरत, पहाड़ बर्फ वाला माउंटेन, और इनसे कहा बताते रहो अगर तुम्हें पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत है, मैं तस्वीर बताऊंगा नीचे लिखा नहीं है लेकिन तुम्हें बताऊंगा ये कहाँ की है। अब जाहिरी बात है इतने सारे बच्चे थे, कभी किसी ने किसी का बता दिया, किसी ने कहा ये ग्वादर है, किसी ने कहा ये गिलगित बल्तिस्तान, ऑब्वियसली लोग क्योंकि ज्यादा थे, किसी ने कहा ये पंजाब है, किसी ने कहा बलोचिस्तान है वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने दोबारा दिखाना शुरू किया, उसमें से एक भी पिक्चर पाकिस्तान की नहीं थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि दुनिया में पहाड़ पहाड़ ही होते हैं, दरिया दरिया ही होते हैं, रेगिस्तान रेगिस्तान ही होता है, वहां के रहने वाले, वहां के बासी उस मुल्क को मुनफरद करते हैं। खुदा ने सबको बराबरी की सतह पर पैदा किया, टाइम दिया, करेंसी ऑफ टाइम दिया, यूज योर करेंसी ऑफ टाइम वाइजली, मेक अ डिफरेंस इन योर ओन लाइफ फर्स्ट। जब आप अपने साथ इंसाफ करेंगे तब जाके आप किसी और के साथ इंसाफ कर सकते। लास्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ ड्रीम्स बहुत बड़ा बज़वर्ड भी बना हुआ है कि जी ये हो सकता है वो हो सकता है, सो आपके ख्याल में हाउ कैन द पावर ऑफ ड्रीम्स कैन चेंज अ नेशन? इससे बड़ी क्या एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान किसी स्टैटिस्टिक्स की वजह से नहीं बना, किसी आदादोशुमार की वजह से तो नहीं बना, कोई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च से तो नहीं बना। ये ख्वाब ही तो था जिसके मैंने उन्हें मन्नत, ये मुल्क है और आपका ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, इससे बड़ा क्या एग्जांपल दूं कि जो ख्वाब की ताकत होती है वो आपको आपकी आपकी धरती दे देती है, ज़मीन दे देती है, आपको आपकी शनाख्त आपका तशख्स दे देती है। एब्सोल्युटली। और मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया था, यही तो मुझ में और एक जानवर में फ़र्क है कि उसके पास ख्वाब देखने की सलाहियत मौजूद नहीं है। सो द एबिलिटी टू ड्रीम इज समथिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। There have been bads, there have been evils, yes, but by and large, वो और वो nightmares हैं, वो interpretation of dream है। I think ख्वाब जो है दो तरह, आपको मैं ये समझाऊंगा जो आपका आखिरी सवाल है कि सबसे पहली चीज है, एक वो है जो ख्वाब देखते हैं और दूसरे वो जो ख्वाब को जीते हैं। You have to live your dreams. Just dreaming is not enough. आप तो सब देखते हैं और कई बार फिर आप ख्वाब आपको याद रह जाता है जब आप सुबह उठते हैं, बट एवरी डे व्हेन यू गो टू स्लीप यू आर ड्रीमिंग, स्लीप साइकिल के अंदर जब आप उठते हैं हमें कभी याद रहता है कभी नहीं। चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपने ख्वाब को जीते हैं, सो दे हैव अ पर्पस, सो ड्रीम ऑन बट मेक योर ड्रीम अ रियलिटी। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, अल्लामा इकबाल ने, उन्होंने कहा था कि रियलिटी
destroys dreams. Why not? Dreams destroy reality. And I'm a firm believer of that. बहुत खूबसूरत ना बहुत शहजादी बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का. इट वाज रियली मेसमराइजिंग सेशन आई वुड से. माय ऑनर जी. इट वाज नॉट प्लान दिस वे, लेकिन जिस तरीके से हमने आपसे डिस्कशन की इट वाज रियली वेरी नाइस. एंड मैंने हमेशा लोगों को ये कहता हूँ ना, मुझसे सवाल पहले से मत बताओ. मुझसे मत बताओ, मुझे मजा नहीं आता. मुझे उसी वक्त सवाल फेंको और मेरे अंदर से जो निकलेगा वही सच होगा. तो कल इंदौरी साहब की कल वफात हुई. बहुत बड़े शायर थे, बड़े समीर के, उर्दू के. उनका एक शेर है जो मुझे सही तरह तो शायद याद ना हो, लेकिन उसको मैं उसको मफहूम टाइप ही कह लीजिए समझा लेता हूँ. वो कहता है कि बहुत खूबसूरत बात की कि हमारे मुंह से जो निकले वही सच है, हमारे मुंह में जुबान तुम्हारी थोड़ी है. तो व्यूअर्स, दिस वाज अ वेरी स्पेशल शो. आई एम श्योर आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा और शायद इस मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं. मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इतनी मज़ेदार डिस्कशन के बाद मैं अब क्या कहूँ. मैं सिर्फ यही एक आखिरी बात कह सकता हूँ, अपने पैरों का ख्याल रखिएगा. इस डिस्कशन को मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि बार बार सुनिएगा. ये वाकई आपको बहुत इंस्पायर करेंगे और आपको बहुत कुछ देखे जाएंगे. शायद मेरे लिए भी एक नया स्कूल ऑफ थॉट मिला है, मुझे एक सोचने का तरीका मिला है कम से कम. और मैं इस चीज़ की गारंटी ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर हम इन चीज़ों पर फोकस करें, अगर हम अपना ज़रा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर लें, सो वाकई हम जहाज़ बना सकते हैं. उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अपने पैरों का ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.